ई रिक्शा चालक की हत्या मामले में दो हत्या आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे। बेगूसराय में सरे शाम ई रिक्शा चालक की हत्या मामले में फरार चल रहे दो हत्या आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई शनिवार को नगर थाने की पुलिस ने की है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान सिंघौल थाना क्षेत्र के कमरुद्दीनपुर गांव के रहने वाले वासुदेव शाह के दो पुत्र क्रमश राकेश कुमार एवं रोशन कुमार के रूप में बताया जा रहा है। आपको बताते चलें कि हत्या के प्रतिशोध में बीते 28 नवंबर 2022 की शाम भीड़भाड़ की मौजूदगी में अपराधियों ने ई रिक्शा चालक सिंटू कुमार की उस वक्त गोली मारकर हत्या कर दी जब वह नगर थाना क्षेत्र के पावर हाउस चौक स्थित हाईवे के किनारे अपने ई रिक्शा पर बैठा हुआ था। मृतक रतनपुर ओपी क्षेत्र के चट्टी रोड निवासी वासुदेव शाह के पुत्र थे और हत्या के आरोप में जेल की सजा काटकर बाहर आने के बाद वह समाज के मुख्य धारा से जुड़कर ई रिक्शा चलाते हुए परिवार का भरण पोषण करते आ रहे थे, जिसकी सारे शाम हुए हत्या से पावर हाउस चौक पर अफरा तफरी मच गई और पुलिस बौखला उठी थी। पुलिस ने घटना को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई कर उक्त हत्याकांड के आरोपी बनाए गए कमरुद्दीनपुर निवासी विशुन देव के शाह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और शेष आरोपी पुलिस से बचकर फरार चल रहे आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगातार छापेमारी कर रही थी और आखिरकार 5 महीने बाद पुलिस दोनों बदमाशों को गिरफ्तार किया तथा न्यायिक हिरासत में जेल भेजने की तैयारी कर रही है। बीएनपी न्यूज के लिए बेगूसराय से अवधेश कुमार की रिपोर्ट।